जैसे जैसे गेहूं की फसल की कटाई होती जा रही है, बाकी रह गए किसानों को 24 घंटे डर बना हुआ है, क्योंकि आसपास कहीं ना कहीं से प्रतिदिन आगजनी की खबरें सुनने में आ रही है। ऐसा ही एक मामला नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुरकुंडा में रविवार शाम अचानक खेत में से धुआं निकलते देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं सभी ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से खेत में लगी आग पर काबू पा लिया। वहीं ग्राम रोजगार सहायक अनिल उइके ने बताया कि शाम को सूचना मिली थी कि ग्राम बोरकुंडा में एक खेत में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी। आसपास सभी जगह खेत में गेहूं खड़ा हुआ था। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया, परंतु मनीष साहू पिता कैलाश साहू की लगभग आधा एकड़ जमीन पर लगी हुई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आसपास के हजारों एकड़ में लगी गेहूं की फसल तबाह हो जाती। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि खेत के आसपास के लोगों ने आग बुझाने के लिए काफी समय तक प्रयास किया।